सामाजिक संस्थाएं कार्यरत, उसी एक सामाजिक संस्था में से स्तंभ करेगा एक जो सामाजिक संस्था है मेरा भयंदर में बहुत अच्छे तरीके से कार्यरत है। यहाँ लोगों ने सेकेंडरी हाईस्कूल में उन्होंने मेडिकल कैंप आयोजित किया है, तो उनके आयोजक से हम बातचीत करेंगे। स्तंभ फाउंडेशन हम पिछले 3 साल से इसमें एक्टिव है, जिसके अंदर की हम कई सारे सामाजिक कार्य करते हैं, जिसमें स्वच्छता से लेके बुजुर्गों का ध्यान रखने से लेके आदिवासी एरियाओं में जाके डोनेशन देके, उसी तरीके से ये 4th मेडिकल कैंप है। इसकी प्रेरणा हमें इस तरह से मिलती है कि हम कई बार देखते हैं कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं या बस्ती में रहते हैं, जो लोग कि या तो मेडिकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या उनके अंदर मेडिकेशन को लेके काफ़ी लिमिटेड अवेयरनेस होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम साल में एक बार इस तरीके का कैंप करते हैं, जहाँ पे कि हम ये मुफ्त चेकअप का आयोजन करते हैं ताकि आसपास के जितने भी लोग हैं वो आके अपना चेकअप करा सकें। प्रोजेक्ट एजुकेशन हमारा एक प्रोजेक्ट है जो हम बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर कि हम जो गरीब तबके के लोग हैं उनको हर दिन 1 घंटे से 2 घंटे तक की शिक्षा दे सकते हैं। उसके अलावा हर साल में एक बार वृद्धाश्रम जाना, वहाँ पे जाके लोगों से मिलना और वहाँ पे उनकी जो ज़रूरत है उन ज़रूरतों को पूरा करना, उसी तरीके से कलासरी चालकगढ़ इस तरीके के आदिवासी एरिया में जाना, वहाँ के लोगों की जो ज़रूरतें हैं वहाँ पे ज़रूरतों को पूरा करना, बाकी स्कूल्स में जाना, स्कूल्स में बच्चों से मिलना, उनको स्पोर्ट्स है, बुक्स है, उस तरीके की जो भी वस्तुएँ चाहिए होती हैं वो हम अवेलेबल करते हैं। जब भी हम मेडिकल कैंप करते हैं हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम जितने भी डॉक्टर्स हो सके उनको हमारे साथ एसोसिएट करें। उसका एक कारण ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको किसी भी तरीके की बीमारी हो तो वो आके कैंप में आके उसका लाभ उठा सके, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने बोकाड़ हॉस्पिटल है, डॉक्टर नरपत सिंह जी राजपूत है, खुशी क्लिनिक से ऑर्थोपेडिक से विवान ऑर्थोपेडिक है, उसी तरीके से संजीवनी हॉस्पिटल से ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है, और पीवी शाह जो यही पे लोकल एरिया में प्रैक्टिस करते हैं जनरल फिजिशियन है, वो सबको हमने यहाँ पे रखा है। 4-5 ईयर से हम लोग रेगुलरली यहाँ पे काम करते हैं। नॉर्मल पेशेंट है उनको फर्दर कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, हम लोग कह रहे हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बोला कि हम लोग 50% डिस्काउंट पे उन लोग कैंप बेनिफिट हम लोग के दे रहे हैं। हम लोग का जिधर फिजिशियन बैठा है हम लोग रैंडम ब्लड शुगर BP BMI डॉक्टर कंसल्टेशन प्लस इसी जो ये प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल मीराबाई फाउंडेशन जो काम कर रहे हैं वेरी वैल्यूएबल और बहुत यूजफुल काम इन लोग कर रहे हैं। विदाउट एनी सेल्फिशनेस से इन लोग ये काम कर रहे हैं हर साल, बहुत अच्छा है। प्रिकॉशन के हिसाब से मैंने यहाँ पे चेकअप कराया और स्तंभ फाउंडेशन इतने सालों से इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहा है तो मुझे इन पर विश्वास है। प्लस उन्होंने नामचीन हॉस्पिटल ओहाड का टीम को लाया है तो मैंने यहाँ पे अपना ईसीजी ब्लड एंड शुगर का टेस्ट करवाया है, यहाँ पे उन्होंने मेरे शरीर को देखते हुए मुझे थोड़ा सा वजन कम करने की सलाह दी है और बाकी काफ़ी डॉक्टर्स ने भी काफ़ी अच्छी सलाह दी कि आप नेचुरली अपना वजन कम कर लो वक्त रहते तो आपको दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। मेडिकल कैंप से जड़े जनरल दर्शन पाठक के साथ मेरा नाम मीरा भाईंदर।